वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइकल दीक्षा एंड आज की वीडियो होने वाली है एक नायका हॉल जो कि है नायका स्किन केयर हॉल। अभी कुछ टाइम पहले मैंने कुछ स्किन केयर विंटर के अकॉर्डिंग अपना स्किन केयर ऑर्डर किया था। स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी वॉश के बारे में जो कि है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बायोटिक का आलमंड ऑयल अल्ट्रा रिच बॉडी वॉश। इससे पहले मैं इसका एप्रिकॉट वाला यूज़ करती थी बट उससे मुझे लगता था स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, बट इसको मैंने एक वीक यूज़ किया है, मुझे इससे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, ड्राई नहीं लगा स्किन पे, ना ही हम ऐसे करके ड्राइंग बना सकते हैं। सो दिस वन इज़ नाइस, पैकेजिंग इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। अब ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं और जब हमें यूज़ नहीं करना तो हम इसको उस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। ये 200 ml है और इसका प्राइस मुझे ये 190 rupees लिख रहा है, बट इस पर हमेशा डिस्काउंट रहता है बायोटिक पे, नायका पे, पर्पल पे, जिसे भी लेंगे तो उसमें डिस्काउंट रहता है। सो 10 out of 10 दूंगी मैं इसको बिकॉज आई लाइक दिस और मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, एप्रिकॉट वाले को नहीं। मैंने फेस वॉश यूज़ किया था जो कि ये भी है बायोटिक का फ्रूट ब्राइटनिंग फेस वॉश। ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके कम से कम 3 या 4 bottles फिनिश करी हैं बट दिस इज़ अमेजिंग। और फेस वॉश के लिए फेस वॉश ना मतलब एक बेसिक ही होना चाहिए, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव या लग्जरी से बेटर ऑप्शन है एक नॉर्मल फेस वॉश, जो कि क्योंकि फेस वॉश का काम ओनली हमारी फेस की डर्ट को नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ड्रॉप से पूरा अच्छे से फेस वॉश हो जाता है, बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि मुझे इसकी क्या बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने पहले ऑर्डर किया था ना तो उसके साथ ये इस तरह का आया था पम्प, बट पता नहीं क्यों इस बार इस तरह का बॉटल इस तरह का आया है, बट ओके। एंड इसका एक ड्रॉबैक सिर्फ यही है, बाकी तो ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा है। यू हैव टू ट्राई दिस एंड आई गिव दिस 10 out of 8। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि ये भी है बायोटिक का टिक मॉर्निंग नेक्टर नरिशिंग हाइड्रेट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी है। मतलब एक्चुअली विंटर में ना मेरी स्किन जो है बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए और बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और हर 3 या 4 घंटे बाद मेरे को कुछ ना कुछ अप्लाई दोबारा करना पड़ता है, वो मैं कर लेती हूँ बट मुझे थोड़ा सा लेजी हो जाता है, तो आई हैव टू ट्राई दिस वन। मैंने ना इसको लास्ट विंटर में यूज़ किया था, इसकी छोटी वाली बॉटल, बट इस टाइम मुझे लगता है कि मुझे बड़ा ले लेना चाहिए बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये काफ़ी ह्यूज भी है। मतलब इसका 230 प्राइस है और ये 175 ग्राम आती है, जो कि ये पूरे विंटर का काम कर सकती है और ये काफ़ी ज़्यादा आती है। मैंने इसको बहुत ख़त्म भी कर दिया है, दिख रहा है ना, और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, बहुत। अगर हम इसको थोड़ा सा भी लेंगे ना तो ये पूरे में बहुत जल्दी और ईजीली स्प्रेड हो जाता है और काफ़ी शाइन भी क्रिएट करता है फेस पे। तो जिनकी ड्राई स्किन है ना उनको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो मेरी तो सर्दियों में ड्राई स्किन हो जाती है, तो मैं तो इसको ज़रूर अप्लाई करती हूँ। सो ये मेरी सर्दी का काम हो गया, सर्दी में मेरी स्किन इससे बच जाएगी। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब फेस वॉश कर लिया, मॉइस्चराइजर कर लिया, अब हमें सन से बचने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। वैसे तो ऐसा नहीं है कि विंटर्स में सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती है, हमें विंटर्स समर्स इंडोर आउटडोर पर सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है। सो इस टाइम मैंने ना अपने स्किन केयर के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। तो मैं इससे पहले VLCC का सनस्क्रीन SPF 30, तो इस टाइम पर मैंने सोचा कि एरोमा मैजिक का ट्राई करते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ कर रहे थे इंस्टाग्राम पर, तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई दिस वन। तो दिस वन इज़ फ्रॉम एरोमा मैजिक कोकम्बर सनस्क्रीन लोशन SPF 30 ऑल नेचुरल मिनरल स्लाइम। तो ये इस तरह के बॉक्स में आता है और ये ट्यूब है इतना छोटा, एक हमारे हाथ से भी छोटा है ट्यूब। कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है और ना ये वाइट कोट नहीं देती है, इसके बाद ना फेस थोड़ा सा वाइट नहीं होता है। मैंने इसको भी लगा रखा है और यू कैन सी, क्योंकि सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं तो 2 fingers sunscreen, 3 fingers sunscreen आप अप्लाई करते हो तो जो इस तरह की सनस्क्रीन होती है ना वो वाइट कोट नहीं देती है, तो आप 2 fingers sunscreen और 3 fingers sunscreen अप्लाई कर सकते हैं। कोई वाइट कोट नहीं दिया इसमें, सिंपली पूरे ऑब्जर्व हो गई एंड सेम हो जाए कोई ज़्यादा। और इसकी फ्रेग्रेंस ना मुझे थोड़ी सी मेहंदी जैसी लगती है, तो
मुझे बस ये पसंद नहीं आया, मतलब इसका तो बस एक यही ड्रॉबैक है कि इसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वी हैव टू ट्राई दिस सनस्क्रीन। 50 ml है, 50 ml ये ईजिली 1 month चल सकती है, तो यू कैन गो विद दिस। मैं इसको दूंगी 10 out of 8 बिकॉज इसकी फ्रेगरेंस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दिस लिप बाम इज अमेजिंग। मतलब इससे पहले मैंने वादी की ट्राई करी है और नीविया की ट्राई करी है, बट मुझे इससे बेटर ऑप्शन और कहीं नहीं मिला, क्योंकि एक तो सब प्राइस काफ़ी अच्छा है, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा आती है कि 6 महीने चल जाती है। 6 month अगर कोई सिंगल पर्सन यूज़ कर रहा है तो 6 month ये इजीली चल जाएगी। ओके, और ये ना थोड़ा सा पिंक शेड भी देती है इसी, मतलब बहुत थोड़ा सा पिंक, तो मैं 10 out of 10 ही दूंगी बिकॉज ये मेरे लिए ये सुपर है। और ये सर्दियों के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, सर्दी आने वाली है और सर्दियों में बॉडी लोशन तो हम सब अपनी बॉडी पर भर भर के लगाने वाले हैं। इससे पहले मैं सोची थी बॉडी ऑयल लेने की, बट बॉडी ऑयल से क्या होता है ना, हम अप्लाई कर लेते हैं ऑयल अपनी स्किन पे और हम चले जाते हैं बाहर, फिर जो भी डर्ट होती है वो सब चिपक जाती है और फिर वो एक पैचेस से क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो पैच को भी पसंद नहीं है। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि बॉडी लोशन ले लो, कोई भी अफोर्डेबल या जो भी आपके बजट में हो या जो आपकी स्किन को सूट करता हो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। सो मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे कौन सा बॉडी वॉश लेना चाहिए। सो उसके लिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है पॉन्स के बॉडी वॉश से, जो कि ये फ्रेग्रेंट एंड स्मूथ स्किन मॉइस्चराइजिंग लोशन। इसका प्राइस जो था 99 rupees है और ये 100 ml की बॉटल आती है। ये 2-3 घंटे के लिए तो स्किन को सॉफ्ट बना के रखता है, तो 100 rupees में तो इतना बुरा नहीं है। जस्ट सिंपली आप अपने पर्स में इसको डाल सकते हो छोटे से को, और कभी भी, और इससे बड़ा ऑप्शन नहीं था, आई थिंक मैंने ढूंढा था लेकिन मुझे इससे बड़ा नहीं मिला। मुझे इसका पिंक शेड चाहिए था लेकिन पिंक शेड आउट ऑफ स्टॉक था, सो आई ट्राइड दिस वन। तो मैं इसको दूंगी 10 out of 10 बिकॉज ये मैं इसको अपने पर्स में डाल सकती हूँ, मैं इसको कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि जो बॉडी लोशंस और बॉडी बटर्स जो होते हैं उनकी उनकी जो बॉटल्स होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी। 10 out of 10 बिकॉज आई लव दिस प्रोडक्ट एंड फ्रेगरेंस भी इसके काफ़ी। तो ये था मेरा नायका का स्किन केयर हॉल, जो कि अफोर्डेबल भी था काफ़ी और ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए भी था। अभी अगर कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। थैंक यू।